जय श्री कृष्णा। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण अवधारणाओं और शब्दों का संक्षेप में वर्णन किया है जिन्हें उपनिषद विस्तार से बताते हैं। वह ये भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की मंजिल क्या तय करती है। उनका कहना है कि यदि हम मृत्यु के समय भगवान को याद करें तो हम उन्हें अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने दैनिक कार्य करने के साथ साथ सदैव ईश्वर चिंतन का अभ्यास भी करना चाहिए। हम उनके गुणों, विशेषताओं, सद्गुणों आदि के बारे में सोचकर ऐसा कर सकते हैं। भगवान के नाम का जाप करके उनका लगातार योग ध्यान करना भी एक अच्छा अभ्यास है। अनन्य भक्ति के माध्यम से जब हमारा मन पूरी तरह से उसमें लीन हो जाता है तो हम भौतिक आयाम से आध्यात्मिक क्षेत्र तक ऊपर उठ जाएंगे। फिर श्री कृष्ण भौतिक क्षेत्र में विभिन्न निवासों और सृष्टि के चक्र के बारे में बात करते हैं। वह आगे बताते हैं कि कैसे प्राणियों की भीड़ इन निवासों पर प्रकट होती है और विघटन के समय सब कुछ वापस उनमें समाहित हो जाता है। हालांकि ईश्वर का दिव्य निवास सृजन और विनाश के इस चक्र से अछूता है। जो लोग प्रकाश के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं वे अंततः दिव्य निवास तक पहुंचते हैं और फिर कभी भौतिक संसार में नहीं लौटते हैं, जबकि वे गिरी हुई आत्माएं जो अंधकार के मार्ग पर चलती हैं, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के चक्र में स्थानांतरित होती रहती हैं। चलिए आरंभ करें। अर्जुन ने कहा है, पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, यह अधिज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युग चित वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? श्रीमान भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा, अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधिज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है वह भक्तियुक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भरिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद विनरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित सन्यासी महात्मा जब जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनिश्चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात मैं उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जिन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर तथा क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सब लोग पुनरावर्ती है परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ,
वहीं ये भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकौम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पृथ्वीयान मार्ग सनातन माने गए हैं, इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में यक्ष ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके बाद हम गीता का 9वां अध्याय पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।